आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज। उत्तर बिहार मिथिलांचल के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल बन रहा है और अब ये अंतिम चरण में है। हम आपको बता दें कि ये बिहार का अब तक का सबसे आधुनिक तारामंडल है। हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे यहाँ की ग्राउंड स्थिति, कितनी तेजी से ये तारामंडल बन रहा है और ये कहा जा रहा है कि 31 मई को ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 73,73,60,331 रुपए की लागत से बन रहा ये तारामंडल, ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार की शिक्षा की तस्वीर बदल कर रख देगा। दरभंगा के डीएम ने कहा कि ये इस शहर को विकसित करने का एक बड़ा जरिया बनेगा। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दरभंगा में आकार ले रहा बिहार का दूसरा आधुनिक तारामंडल, ग्रहों और तारों की दुनिया की सैर करेंगे उत्तर बिहार के लोग। बिहार का सबसे आधुनिक तारामंडल दरभंगा में आकार ले रहा है। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में बनकर तैयार हो रहा है। यह तारामंडल अगले कुछ महीनों में दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, साथ ही इसके निर्माण से बड़ी संख्या में स्थानीय मजदूर लगे हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। इसके बन जाने के बाद भी आसपास के इलाके में रोजगार के कई नए साधन उभर कर आएंगे। तारामंडल परिसर में 150 सीटों के प्लेटेनियम और 300 सीटों के ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है। बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 73,73,60,331 रुपए की लागत से 3.5 एकड़ रकबे में इसका निर्माण दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज की जमीन पर हो रहा है। इसके बन जाने से न सिर्फ उत्तर बिहार बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के सीमावर्ती जिलों के छात्र छात्राएं भी ग्रहों और तारों की दुनिया की सैर कर सकेंगे। साथ ही यहां कई तरह के खगोलीय रिसर्च भी होंगे। इसकी छत के ऊपर खूबसूरत रूफ ग्राउंडिंग लगाई जा रही है, जहां लोग प्रकृति के नजदीक महसूस करेंगे। अब तक जिस तारामंडल को देखने के लिए लोग पटना जाया करते थे, उससे भी आधुनिक तारामंडल अब उन्हें दरभंगा में ही देखने को मिलेगा। दरभंगा तारामंडल के निर्माण में लगे अभियंता अमिनेश राज ने कहा कि यह बिहार का अब तक का सबसे आधुनिक तारामंडल होगा। उन्होंने बताया कि 73,73,60,360 रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है और इसे 31 मई तक दर्शकों के लिए खोल देने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस तारामंडल परिसर में 150 सीटों का प्लेटेनियम और 300 सीटों का ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी छत पर पाथवे बनाया जा रहा है और रूफ गार्डन विकसित किया जा रहा है। लोग वहां बैठकर प्रकृति के बीच एंजॉय कर सकेंगे। स्थानीय सुजीत मल्लिक ने कहा कि दरभंगा में बिहार का सबसे आधुनिक तारामंडल बन रहा है, इससे स्थानीय लोगों में बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि इसके बन जाने के बाद न सिर्फ उत्तर बिहार बल्कि नेपाल के लोग भी ग्रहों और तारों की दुनिया को नजदीक से देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि तारामंडल के बनने से यहां बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों और मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। तारामंडल के निर्माण कार्य में लगे मधुबनी जिले के एक मजदूर धर्मेश मंडल ने कहा कि वे पहले पंजाब के लुधियाना में काम करते थे। उन्होंने कहा कि जब से यहां तारामंडल का निर्माण शुरू हुआ है, उन्हें अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल गया है। उन्होंने कहा कि जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो यहां आसपास कई तरह की दुकानें खुलेंगी और दूसरे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इसी तरीके से विकास के काम करे तो बिहार में ही रोजगार मिलेगा और लोगों को बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने कहा कि दरभंगा में तारामंडल बन जाने से शहर की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि आसपास के इलाके का विकास होगा, इस इलाके के छात्र युवाओं को विज्ञान की गतिविधियां समझाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि तारामंडल का काम काफी तेज गति से चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में यह बनकर तैयार हो जाएगा। में आपको ये दूसरा तारामंडल है जो कि प्लेनेटोरियम बोलते हैं, दूसरा तारामंडल है जो कि 73,73,00,000 की लागत से बनने जा रहा, मतलब बन चुका है, लगभग ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड है। इसमें सिर्फ इंटीरियर बॉक्स बचे हुए हैं। ये इसका हम लोग का हैंडओवर डेट है आपको 31 मई 2022, जो कि एक्सपेक्टेबल है कि ये कंप्लीटेड हो जाएगा। और इसमें है आपको जैसे प्लेनेटोरियम है 150 सीटिंग कैपेसिटी का और ऑडिटोरियम है इसमें 300 सीटिंग का कैपेसिटी का। और एक ओरिएंटेशन हॉल है जिसमें मतलब एग्जीबिशन टाइप का होगा आपको एंट्री, जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिखाया जाएगा कि क्या है अंदर में होने वाला है। हाँ, ऊपर ये यहाँ से रैंप है जो कि इसमें आपको सारे लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर वर्क्स होंगे, इसमें सारे गार्डनिंग के हो गए, पाथवे बनेंगे और इस पर आपको बेंचेस लगेंगे, आदमी जा सकता है उस पर, घूम सकते हैं। ये सारे भी फायदा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा, जैसे कि इसमें आपको कैंटीन्स वगैरह का सुविधा है, उसमें रोज़गार वगैरह बढ़ेंगे, इसमें गवर्नमेंट्स वैकेंसीज आएंगी,
वो सारे आपको सुविधा बढ़ेंगे और अगल बगल का जो एरियाज है वो भी काफ़ी डेवलप हो जाएंगे। और ये मतलब उसमें पूरा सारे बच्चे लोग से लेके बड़े लोग के लिए सबके लिए ज्ञान का भंडार है। ये भी इसमें भी दिखाया जाएगा कि ग्रहण वगैरह कैसे लगते हैं, किस मतलब कैसा डायरेक्शन में आएगा, क्या होता है, तो उसके बाद ग्रहण लगने के चांसेस होते हैं, ये सारा मतलब उसमें डिटेल्स में पूरा बताया जाए। जो यहाँ पहले हम लुधियाना में काम करते थे पंजाब में, अब हम अपना मधुबनी जिला में आसपास में ये क्या कहते हैं दरभंगा जिला पड़ता है, उसमें हमको लोग को काम मिला है। बहुत खुशी वाला बात है कि ये जितने पैसे वहाँ पर कमा रहे थे उतने अपना घर में भी रहकर माँ बाप के पास अपना कमा रहे हैं। इससे ऐसा हमको कुछ नहीं चाहिए, अपना घर में काम कर रहे हैं, अपना राज में रहते हैं, हम बहुत खुश हैं। तो यहाँ जो सर ये टाणा मंडल बन जाएगा तो यहाँ पर अगल बगल में बहुत सा जो है दुकान ये सब बनेगा, मॉल बनेगा, इसमें आएगा लोग देखने के लिए और वहाँ पर रहेगा, रोज़गार भी मिलेगा। ऐसे ऐसे अगर सरकार जी अगर दो चार और देता है तो इतना आदमी को और काम मिल जाएगा, फिर हम लोग अपना बिहार में कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे और क्या। बिहार की सबसे बड़ा तारा मंडल दरभंगा में खुल रहा है और स्थानीय लोगों में तो काफ़ी उत्साहित हैं। यहाँ तरह तरह के हॉल बने हैं, तारे के बारे में, ग्रहों के बारे में, यहाँ यंत्र लगे हैं, यहाँ वैज्ञानिक बैठेंगे, रोजगार का बढ़ावा मिला है। और देखिए लगभग दो साल से इसमें काम कर रहे हैं स्थानीय लोग, लगभग 200 से 250 लोग यहाँ लगातार रोजगार में लगे हुए हैं। और आने वाले समय में स्कूली छात्र जो पटना जाया करते थे तारामंडल में ग्रह और तारे के विषय में जानकारी लेने के लिए, उन्होंने इतनी सुविधा प्रदान हुई है, इतनी काफ़ी खुशी है कि उन्हें पैसे की बचत तो होगी ही, सरकार की जो बस में पैसा लगता था, ट्रेवलिंग में पैसा लगता था, अब यहाँ आके वो ग्रह और तारे के बारे में जानकारी। काफ़ी तेज़ गति से निर्माण कार्य चल रहा है, सचिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा विजिट भी किया गया है और निर्माण को तेज़ गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके निर्माण से जहां पर्यटन लोगों के यहां पे आने की व्यवस्था बढ़ेगी, लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी, वहीं नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनका अंतरिक्ष विज्ञान में भी उनकी जागरूकता बढ़ेगी। ये काफ़ी उपयोगी होगा, दरभंगा शहर को एक नई पहचान मिलेगी और इसके बन जाने से इस शहर में लोगों का आकर्षण काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जून जुलाई तक बनके तैयार हो। अभी आप देख रहे थे दरभंगा लाइव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसी तरह की और रिपोर्ट लेकर हम आते रहेंगे आपके सामने। फिलहाल विदा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।